सॉरी फ्रेंड्स, मैंने नेटवर्क चेंज किया बट उसमें भी प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। नो इशू, अपन कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंटली वेटिंग। सो आई एम प्रॉब्ली द स्टूडेंट ऑफ सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नागपुर, एंड द 7 day series programming workshop is held by or organized by Engineering Students Club, which is funded by AICTE under FISA scheme in association with Training and Placement Department. Okay, so many of the great teams are helping the event go fine, but some things like network connectivity or the things which we don't control sometimes get out of control. But we'll be managing. So for now, see the course map. It's done. It's on today. So you can see some changes have been made in the entire presentation, like this, like the transparency of these things. Yeah. Okay. So today, tomorrow is more surprising. So today we'll be seeing the advanced techniques which will be most useful for the exams, not only the college exams or that cracking exams, but the real exams or the real scenarios that we get to cover up in the daily life. Okay. Useful for exams and ek project chota sa. अभी तक तो आपको पता है प्रोजेक्ट कैसे देखते हैं, आधे अधूरे वैसे ही होगा। सो लॉजिक डेवलपमेंट है मेन, तो इसमें कंडीशंस, लूपिंग, स्विचिंग, कंपाइलिंग, ये तो हो गया कब का। ओके, सो अभी ये जो साइज ऑफ का है वो आज देखेंगे अपन, कैसे क्या साइज ऑफ का यूज होता है। ठीक है, बाकी तो दो हो गए। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, ये जो सिंटैक्स है सी लैंग्वेज का, एक छोटा सा जो सिंटैक्स रहता है एक मेन प्रोग्राम का, कि एक प्रोग्राम कैसे होगा। ठीक है ना, जैसे कि ये एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का है। ओके, कोई बोलेंगे अभी एचटीएमएल में एक डॉक्यूमेंट रहता है उसका भी सेम रहता है। हाँ भाई, हाँ दीदी, वो सेम ही रहता है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, बिकॉज वो स्टैंडर्ड्स है। हाँ, अगर उन स्टैंडर्ड्स को चेंज किया गया बड़ी अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर तब की बात अलग है। एंड तब हमें कुछ न्यू चीजें यूज करने पड़ेगी जो उन्होंने एडिशन दिए हैं। ओके, जैसे कि एक बता दो, जैसे एचटीएमएल है ना, तो एचटीएमएल के वर्जन्स है, आपने कभी पढ़ा होगा तो या फिर बुक्स को देखा होगा। तो अभी तो लेटेस्ट में HTML5 है, तो HTML5 ने कैसा कर दिया, वो लॉन्ग टर्म चलेगा बोलता, तो फिर ऐसे चीज है। उसके पहले 4.1, 4.2 ऐसा कुछ था, 3. पहले वो DTD वगैरह इतना सारा लिखना पड़ता था, बट जैसे नया नया है ना, उनको पता चला कि लोग अगर इतना सारा लिखते बैठेंगे तो कोई उस फील्ड में कोडिंग करने के लिए कम जाएगा। बराबर, अभी एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, ठीक है, इजीली समझती है तो सीखेंगे कोई। एक लैंग्वेज ले लो बाइनरी लैंग्वेज, उसमें भी अपन लिख सकते। उसमें क्या, सी लैंग्वेज में भी बाइनरी का कोड डायरेक्टली डाल सकते, वो तो एकदम फास्ट रन होगा। बाइनरी के थोड़ा ऊपर आता है अपना कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज, ASM, तो असेंबली का भी है। बट विच इज मोर प्रेफरेबल, डेवलपर किसको प्रेफर करेंगे? हाँ, अगर असेंबली बाइनरी और सी के बीच में होगा तो मुझे लगता है सी का चूज करना मैं तो पसंद करूंगा यार, थोड़ा सा इजी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। असेंबली में कुछ गया तो फिर पूरा का पूरा प्रोसेसर ही चेंज कर दो, और बाइनरी में तो समझ में नहीं आता, घर में भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो प्रेफरेंस रहता है। उसके बाद में रहता है उसका स्कोप, कि जैसे किस टाइम पर किस चीज को स्कोप देते हैं, वो भी एक चीज रहती है। सो देखते, अभी उसमें एक चीज आती है कि एक वो रहते ना, कुछ लोग हैकिंग में वगैरह वो इंटरेस्ट रखते तो उनके लिए बेनिफिशियल थिंग हो जाएंगी, कि वो गिद्रा वगैरह सॉफ्टवेयर रहता है ना, NSA, वो बड़ी एजेंसी से रहती है, तो उसका GHIDRA, गिद्रा ऐसा कुछ, तो भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड उन्हें
निकाल दिया था या फिर लीक हो गया था, ऐसा बोले। तो देखो भाई, उसका सोर्स कोड मैंने भी देखा था उस टाइम। आपको लगता होगा तो मैं जमा के दे दूंगा ग्रुप में अपने, बिकॉज उन्होंने वो रिलीज किया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने के लिए। अगर उसको देखेंगे तो वो देखते रह जाएंगे अपन, वो तो समझते ही नहीं है, बिकॉज वो उनकी खुद की लैंग्वेज बनाई हुई है, उसमें उन्होंने बनाया है, वो ऐसे जनरल पर्पज लैंग्वेज में नहीं बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो जनरल पर्पज लैंग्वेज मतलब एक इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, ये लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जनरल पर्पज लैंग्वेज ऐसी हो गई कि जो ज़्यादा क्राउड को समझती है या फिर वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। अभी एक ऑर्गन फ्रेंड स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक ऐसे साइंस हो गए, तो वो अपने जोन को ही पता है कि इस साइन का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, बराबर। तो वो एक स्पेशल पर्पज हो गया। तो जनरल पर्पज में वो इतना बड़ा काम है, वो करेंगे क्यों, है ना। तो ऐसी भी चीज़ रहती है, देखते आगे। और ये अपने सिलेबस में ना कंपाइलर, डिजाइनर वगैरह के सब्जेक्ट रहते हैं, वो समझते तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन जब ओरिजिनल में उसमें वर्क करता कोई, टेक एन एग्जाम्पल, कौन कौन है यहाँ पे अभी, हाँ ललित है। तो देखो अभी ललित ने उसका जो भी है प्रोग्रामिंग वगैरह का कोर्सेस किए, देन व्हाट वी से उसका बहुत सारा उसने प्रोग्रामिंग में आईक्यू बढ़ा लिया, ठीक है। और कंपटीशन में साहिल है, हैकर भैया। तो अभी साहिल ने क्या सोचा कि देखो अभी मुझे तो सब कुछ आता है, मैं अभी उसी टेक्नोलॉजी पे, उसी फ्रेमवर्क्स में और उसी टूल्स में वर्क करूँगा। मैं ना ही अपने काले लिनक्स का वर्जन अपग्रेड करूँगा और ना ही मैं न्यू न्यू लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूँगा। तो क्या हो जाएगा, ललित भैया अपने उनसे आगे निकलने में, मतलब उनसे आगे रहेंगे, बिकॉज कैसे हो जाएगा, उनके पास में अपडेटेड नॉलेज है। अभी अपडेटेड में कुछ आ गया, जैसे आपको बोला था मैंने लॉग 4j के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, अगर किसी ने निकाली होगी तो वी हैव डिस्कशन इन लास्ट। तो ऐसी चीज रहती है, अगर आप अपडेटेड रहोगे ना तो आप किसी एक प्रोफेशनल पर्सन से भी ज्यादा आपके पास में नॉलेज होगा। अभी इसका सिंपल एग्जाम्पल ले सकते कि मेरे व्हाट उसे कॉलेज में कुछ टीचर्स हैं, उनको भी एक आधा दो कंसेप्ट नहीं पता, वो जो बुक्स में है वो पुराने लिखे हुए, उनको वो पता है, वो एक्सप्लेन भी करते, बट कुछ नया है मार्केट में एंड मैंने उसे सीखा है, तो वो मेरे ही पास रहेगा। जैसे कि ये वाला मीम जो कि मैंने खुद बनाया है, ठीक है, तो ये मार्केट में लेटेस्ट रहेगा। आज मेन तो लूप पे ध्यान देना था, तो मैंने थोड़ा सा देख के बना लिया, है ना। तो इसका मीनिंग भी समझ जाएंगे सबको, क्या आगे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आके रुकते पहले, और ये कीवर्ड्स ना कुछ येलो वगैरह गोल्डन कलर के कर दिए, तो समझ ही आ गया होगा आपको क्या क्या है। ओके, सो कोड एडिटर ओपन कर लूँ मैं। कैसे होगा, ओके सो आ गए अपने यहाँ पे। आज का तो छठवा दिन है, एक फोल्डर बना लेते हैं, वही अपना डेली का प्रोसेस, डे 6 का फोल्डर, डे 5 का था, डे 6 का है। ओके सो डे 6 का एक फोल्डर बना लिया, उसमें क्या क्या रहेगा, आज तो अपने लूपिंग वगैरह के हैं, ठीक है, तो एक वही प्रोग्राम बना लेते हैं, आज कॉपी पेस्ट मारेंगे कहीं से, तो भी उठाएंगे ना एक सोर्स कोड को, नहीं ये थोड़ा उठा लेते हैं अभी का। स्टडी आयो और क्या लगेगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो
बिना टाइम वेस्ट किए देखते अपन के है इसमें, निकाल दो रिटर्न, रिटर्न 0 को रखते हैं भी। ये है अपने हेडर फाइल, बताने की गरज है क्या? बिकॉज अपन हो गए इसके साथ में यूज टू, बट कोई न्यू डेवलपर है उसको नहीं समझता है। और एक एग्जांपल, एक मैंने मेरी खुद की एक लैंग्वेज बना दी अभी, वो मुझे लगा था वो आर नाम की लैंग्वेज है ना, तो जैसे कि मेरा नाम से इनिशियल से स्टार्ट होते तो अच्छा लगता है, तो ऐसे समझ लो कि आर नाम की लैंग्वेज मैंने बनाई है। तो मैं उसमें जो भी यूज़ करूँगा वो मेरी इमेजिनेशन है, फिर जो भी मुझे यूज़ करना है वो रहेगा ना, एंड मुझे जिस पर्पस के लिए बनाना है उसके हिसाब से बनाऊंगा। सो द कंपनी डू द सेम थिंग, उनको जो पर्पस है, देखो अगर सी लैंग्वेज का ही कोई उन्होंने डेरिवेशन किया है, बिकॉज ओपन सोर्स अगर कोई चीज़ होंगी, कोई लाइब्रेरी बना रहा होगा, तो फिर वो हो जाता है ना, अपने हिसाब से अच्छे से बनाएंगे। तो हो गया, उसके बाद में इंट मेन, और अभी क्या देते हैं अपन सबसे पहले तो लूप, मैंने बता ही दिया कि लूप को यूज़ करेंगे, तो लूप को यूज़ कर लेते। इसके पहले एक दो चार कुछ अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेते। डन, यहाँ पे एक देंगे इंट है के लिए, एक आईडी के लिए सिंपल सा एक आईडी रखते, वो अपना आधार कार्ड रहता है यूआईडीए की तरफ से, बट यहाँ पे अपने को प्रोग्राम में करने के लिए यूयूआईडी रखते। कोई यहाँ पे जो थोड़ा है पाइथन वगैरह का भी किसी ने लाइब्रेरी अगर यूज़ किया होगा तो उसको यूयूआईडी और टिक जीयूआईडी के साथ में वो कॉम्पेटिबल होंगे, ठीक है ना? ये रहता है एक तो 16 बिट्स डिजिट्स का, और 32 का, और 64 का, ठीक है, 12 का भी रहता है, 8 और 12 का भी रहता है। ओ, एकदम लंबा सा हो गया, 8, 12, 16, 32 या 64, अभी कोई जगह पे ना 128 का भी रख देते हैं, लिख लेते हैं अपन। तो ऐसे यू यू आई डी वगैरह कुछ रखते, बट अपन 8 ही कैरेक्टर्स के रखेंगे, ठीक है? उसके बाद में इंटीजर हो गया, मतलब इंट हो गया अपना। अभी इंट के बाद क्या है, अपने को उस यू यू आई डी पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो एक डबल लिख लेंगे, डबल। अभी डबल में क्या देंगे अपन, यू यू आई डी हो गया, उसका थोड़ा सा बायोडाटा, मतलब टेक एन एग्जांपल, रेस चल रही है, रेस में थोड़ा सा कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह डिफाइन कर दिया अपन ने, ये मैक्सिमम स्पीड है वगैरह वगैरह, एंड उस स्पीड के हिसाब से जाना है। बट जो वहां तक के ये रहेगा उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ज्यादा बड़ा एग्जांपल हो गया नहीं, वो रेसिंग के गेम खेलते ना अपन, तो कुछ गेम्स में कैसे रहता है स्पीड की लिमिट दी रहती है, 58 KMPH के ऊपर अगर गया तो फिर वो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस लैप से, तो लैप ने ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो टेक एन एग्जांपल 30 लेते यहाँ पे, 30 के अंडर में 29.99 भी आया तब भी वो सफिशियंट है ना, तो उसके लिए डबल रह रहे, लिमिट नाम का दे दिया छोटू सा, ठीक है। यूयूआईडी भी हो गया, डबल भी हो गया, और उसके बाद में एक नाम, नामकरण करना थोड़ा सा अच्छा है, यूयूआईडी तो रहेंगे बट नेम भी दे देंगे, नेम अप्पा स्वामी वगैरह ऐसे आएंगे तो 30, 40 कैरेक्टर का दे देते। अभी देखो यहाँ पे जब एक एवरेज कोई प्रोग्रामिंग में होगा तब अपन ऐसा कर लेंगे ना, नो इशू, ऐसा एक बार का लिख लेंगे, बट कोई अपने को डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा साइंस में यूज करना है तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में क्या आता है, इसको सबसे पहले तो मैं इस डेटा को मैनेज कैसे करूँ, क्योंकि उसका काम ही वही है कि ये जो भी अपना डेटा है वो इतना रियूजेबल होना चाहिए और इतना
स्लो इसमें बैठ के रहना चाहिए कि भाई बाग आगे वाला ना अपने को डायरेक्टली प्रमोशन दे दे, या फिर मुझे ही डायरेक्ट वो CTO या फिर CEO बना दे, ऐसा उसका रहता है, समझ गए? अभी ये जो टर्म्स वगैरह है ना, ये बड़ी बड़ी टर्म्स लगती है, बट वो कुछ वेब सीरीज वगैरह रहते हैं वो US के, तो उसमें ये इजीली बताते। अपने तरफ तो वेब सीरीज मतलब अभी कुछ अलग ही कर दिया उन्होंने, बट अभी भी US के वेब सीरीज में थोड़ा दम है। जैसे अगर किसी को देखना होगा तो वो अपने वो आईफोन बनाया वो कौन है, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉलमर के, तो उनकी एक मूवी वगैरह है सिलिकॉन वैली नाम की। सिलिकॉन वैली नाम की एक वेब सीरीज है, शायद वो हिंदी में भी अवेलेबल होंगी या इंग्लिश में तो है ही। उसके बाद में और एक दो वेब सीरीज वगैरह होंगी, अपन बताते तो। वो सोशल नेटवर्क नाम का ये है मूवी फेसबुक पे, वो भी देख सकते हैं, ठीक है? छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया अपन ने। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन कि कल तो इस इंट के बाहर लिखा था अपन ने, परसों आज क्यों अंदर लिख रहे? इसका डिक्लेरेशन दोनों जगह पे चलता है, आइदर पहले लिखो इंट के बाहर लिखो या फिर इंट के अंदर लिखो, नॉट मैंडेटरी कि एक ही जगह पे लिखना है, ठीक है? तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे भी। डेटा इसलिए दिया क्योंकि अभी का कोई नाम वगैरह है नहीं, तो डेटा दे दिया। उसके बाद में अपन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ सबसे प्यारा स्टेटमेंट, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला। अभी सेम डेटा स्ट्रक्चर का बात किया मैंने, तो उस हिसाब से जाएंगे। यहाँ पे अगर स्पेस देंगे तब वो प्रोग्रामिंग में भी स्पेस दे देंगे, तो बेटर कि ना दे अपन स्पेस। यहाँ पे दिखते हैं ऐसा कुछ। भी यहाँ पे लिखते इंटर डेटा ऑफ यूजर वन। अभी देखो ये यूजर वन तो लिख दिया मैंने, बट अपने को क्या करना है, इसको मल्टीपल टाइम्स लेना है। यही एक डेटा जो रहेगा मल्टीपल टाइम आएगा, एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, वो हैकर रैंक, हैकर अर्थ और वो ऐसे करते ना अपन, उसमें भी पूछे जाते। तो उनको क्या रहता है, एक आउटपुट चाहिए रहता है, तो उसमें क्या करते अपन, उसका पार्ट कल रखा हुआ है तो उसके लिए कल आना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अभी ये तो स्ट्रक्चर वगैरह भी हो गया, बट और एक डेटा टाइप अपन दे देते इंट का, देते ठीक है। स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट करना है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ना एक और डेटा टाइप है बुल, अरे यार BOOLEAN है क्या? नहीं है। BOOL है क्या? यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर, तो ये चलता नहीं होगा, हो सकता है ना, क्योंकि देखो वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो है ना वो सबसे पहले हो जाना चाहिए, ऐसा इसका सी लैंग्वेज में बनाया हुआ रूल है। अभी क्यों है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर वेरिएबल लिखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो निकल जाता है, मतलब यूज भी नहीं होता, एंड ऊपर लिखेंगे ना तब भी वो मान्य किया जाता है। बट बाकी कुछ लैंग्वेजेस से टेक एन एग्जांपल ऑफ पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट, तो उसमें क्या होता है, होस्टिंग नाम का है, HOISTING, होस्टिंग करके कुछ लिखा जाता है। तो उसमें क्या होता है भैया, तुम इसको यहाँ पे लिखो, चाहे तुम इसको सबसे एंड में
लिख दो, रिटर्न की तो गरज भी नहीं पड़ती उसमें। तो वो क्या करेगा, पूरे इसमें कहाँ कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए गए स्कोप के हिसाब से। अभी स्कोप मतलब क्या होता है? हाँ यार बताया नहीं, इंजीनियरिंग का स्कोप पता है। अभी इंजीनियरिंग का स्कोप रिटर्न टाइप लिख लेते, मिलना तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके अंदर में अपन कुछ ठीक है, अभी का ज्यादा ब्लीच नहीं करते कोड को। बट यहाँ पे कुछ अलग है, तो देखो पूरा एक इस पे आ जाए। ये आ गया मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक आ गया। तो इंजीनियरिंग में अपने क्या क्या देते हैं, इनसाइट देते हैं अपन, टाइम, लाइफ, मतलब टाइम में तो आ ही गया, देन मनी, देन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस नहीं डालेंगे तो कोई काम करके मीनिंग ही नहीं है। कॉलेज में क्या जाते हैं अपन, टाइम देते, अपन फीस पेड करते, एंड और फिर से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डालते ना अंदर में, एक्टिविटीज, तो वहाँ से फिर सर्टिफिकेट वगैरह मिलते तो वो भी रिटर्न दे देंगे। सर्टिफिकेट्स और क्या, डिग्री, ऐसी चीज़ें यहाँ से मिलती है और इंजीनियरिंग से जॉब मिलती है भाई, इसमें आ जाए। देखो ये तो एक सिंपल सा है। अभी मैं अगर आपको बोलूँ स्कोप किस किस का कितना कितना है, अभी देखो यहाँ पे वाइट कॉलेज है, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वाइट, और इतनी सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये इतनी सारी चीज़ें दे दिए, ये रिटर्न में ये कर रहा है तो चलेगा तो है नहीं, इंट दे देंगे क्योंकि रिटर्न में लिखा हुआ है अपन ने कुछ, अभी का रहने देते। तो देखो स्कोप कैसा है, कैरेक्टर नेम है, तो ये जो कैरेक्टर नेम है ये यहाँ पे भी अवेलेबल रह सकता है, यहाँ पे भी अवेलेबल रह सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट मतलब मैं यहाँ पे और एक बार देता हूँ, क्या हो गया, रेड लाइन आ गई। रेड लाइन मतलब गलत है, कुछ तो भी गलत है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं चलता है। बट वो सेम ब्लॉक में था, ब्लॉक वाइज, वो दूसरे ब्लॉक में है तो चलेगा। अब इसको क्या बोलते हैं, स्कोप, मतलब इस वेरिएबल का स्कोप इतने ब्लॉक के लिए, मेन प्रोग्राम में है तो इस वेरिएबल एबीसी का स्कोप इतने, इसमें मतलब इतने वाले ब्लॉक में, इस वेरिएबल का इतने ब्लॉक में, और भी कुछ चीजें रहेंगी तो उतने ब्लॉक में, ठीक है। बट जब इस प्रो फंक्शन को इसमें कॉल वगैरह करेंगे तो फिर वो रिटर्न वगैरह करेगा, फिर वहां से कुछ इनपुट्स लेगा, तो इसको बोलते हैं स्कोप। स्कोप मतलब उस ब्लॉक के लिए उस वेरिएबल को कितने टाइम, कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन सा वेरिएबल है, एकदम इजी लैंग्वेज में, मतलब इस कैरेक्टर नेम का स्कोप इतना है, इंजीनियरिंग का स्कोप एबीसी इतना ही है, बट इसको अगर यहाँ पे कॉल भी करेंगे ना तब भी इसका स्कोप इतना ही रहेगा, ये वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे ये होगा, क्या बोलते हैं, इसका रिटर्न हो जाएगा और इसका स्कोप इतना है, कैरेक्टर नेम या स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर इसके बाहर देते अपन तो के बाहर कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर दिया मैंने, तो अभी इस स्ट्रक्चर को मैं इस मेन में भी यूज कर सकता हूँ, इंजीनियरिंग के स्कोप में भी यूज कर सकता हूँ, कॉलेज में भी, बट इसको अगर मैंने पिछले बार के समान यहाँ पे रख दिया तो इसका स्कोप इतना रहेगा। तो ये है स्कोप, ठीक है, स्कोप की बात है।
पहले इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत था, अभी बीटेक का है शायद ऐसा। सो ये भी देख लिया, कोई दिक्कत किसी को इसमें? क्योंकि स्कोप में अगर दिक्कत आ जाएंगी ना तो आपका प्रोग्रामिंग में से सैलरी का स्कोप कम हो जाता है, ऐसा होगा। नीचे भेज दिया उसको, ना निकल जाए वो। तो सेम चीज़ एक होस्टिंग नाम की कुछ चीज़ रहती है, अभी अभी पढ़ा था मैंने। तो होस्टिंग में क्या होता है, भले तुम स्कोप वाले वेरिएबल को तुम नीचे डाल दो, वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर डाल देगा खुद से, क्योंकि उसको तो पता ही है वेरिएबल कहाँ पे रखने हैं, क्या वेरिएबल है। अगर कुछ समझता नहीं है तो फिर कंपाइलेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, एरर दिखा देगा। अगर कंपाइलेशन नहीं है और इंटरप्रिटेशन है तो क्या हो जाएगा, वो उस लाइन पे जाके अटक जाएगा। अभी कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन का है, तो कंपाइल मतलब क्या होता है, पूरा प्रोग्राम एक बार चेक करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, एक एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है ये। अभी वो शादी का सीजन है, तो शादी करते ना अपन, वो देखते तो उसे पूरी कुंडली देखते, वो गुण मिलान भी करते कि आगे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो वो हो गया था क्या, अभी टॉपिक टॉपिक ही भूल गया यार। तो ऐसा कुछ होता है ना, तो तब वो चेक होता है, पूरा का पूरा चेक होता है कंपाइलेशन के टाइम पे, समझ लो कंपाइलेशन है। अभी उसके बाद में चीज आती है, एक लाइफ टाइम के कुछ 16, 25, 30 के बीच में अपन कुछ एजुकेशन वेजुकेशन करते हैं, तो उसमें बहुत सारी अभी चीजें आ गई है, एक एक बोलते बैठूंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो उसमें कैसा होता है, टेम्पररी अपन कुछ देखते हैं इधर से उधर से, ठीक है टाइम पास होने चाहिए, अगर हो गया सेट तो फिर वो लाइफ टाइम भी चलता है। कभी कभी सुंदर पिचाई सर की स्टोरी पढ़ी होंगी आपने, तो फिर कुछ चीज़ें लाइफ टाइम भी चलती है, बट कुछ चीज़ें टेम्प्रेरी रहती है। वहाँ तक आने के बाद, साथ देने के बाद वो अटक जाती है। तो फिर क्या होता है, कंपाइलेशन के टाइम पूरी अपन कुंडली देखते हैं, बट अपन ऐसे टाइम पास के लिए कितनी देखते हैं, हाँ अभी के लिए मेरा टाइम हो जाएगा ठीक है, तो उतना। तो कंपाइलेशन मतलब पूरा एक टाइम पे देखते, उसके बाद में ही उसको एग्जीक्यूट करते। अगर कोई रन टाइम एरर है तो चेक होगा क्या, लैंग्वेज अच्छी होगी तो चेक होगा, सी लैंग्वेज में तो रन टाइम एरर चेक नहीं होते कंपाइलेशन के टाइम पे। अभी किसी ने बना दिया होगा इंटरप्रेटर सी लैंग्वेज के लिए भी, तो उसको सलाम, एंड अप बने हुए है मुझे पता है इसलिए बोला। तो कंपाइलेशन के टाइम पे रन टाइम एरर चेक नहीं होते, उसमें कंपाइल टाइम एरर चेक होते, बट चेक होते हैं नहीं तो फिर एरर और वार्निंग दिखती है। नेक्स्ट थिंग, जो इंटरप्रिटेबल लैंग्वेज रहती है, जैसे कि सी लैंग्वेज से ही पीएचपी बनी है, तो पीएचपी में जैसे आपको बताया मैंने, किसने एक्सप्लोर किया होगा तो बेस्ट थिंग कि उसको हेडर फाइल्स बहुत सारे मिले होंगे सी सी लैंग्वेज की, बिकॉज पीएचपी इज ड्रिवन बाय सी लैंग्वेज। तो उसको क्या होगा, इंटरप्रिट होता है लाइन बाय लाइन, किसने अगर पीएचपी के इसमें एरर आ गया कहीं पे, तो उसको कैसे हो जाएगा, गेटिंग एरर ऑन दिस लाइन, डेटाबेस कनेक्शन ऑन दिस लाइन, ऐसा ऐसा। पाइथन, इट इज ऑल्सो इंटरप्रिटेबल लैंग्वेज, पाइथन का सोर्स कोड अपन ने रन कर दिया, लाइन नंबर आया 50, उस पर हो गया थोड़ा कन्फ्लिक्ट, यूजर से डेटा लेना था लेकिन अपन ने वैलिडेशन लगाया नहीं कि डेटा लाल नहीं है, उसे नल वैल्यू भेज दी, वहां पे आ गया एरर, तो वहां पे आके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा ठीक है, रन टाइम एरर। और एक चीज पाइथन में, हाँ ये तो रन टाइम एरर हो गया था, अभी पाइथन में एक स्टेटमेंट को अपन ने गलत लिख दिया, डेटा आ रहा है वहां से एंड उस डेटा को अपन ने कन्वर्ट ही नहीं किया, है ना। अरे यार बहुत बड़ी चीज हो गई, अभी अपन ने एक स्टेटमेंट को ही चुका दिया। देखो कुछ प्रिंट का ऐसा कुछ रहता है ना, प्रिंट वगैरह ले लो मैं, में सिंगल लाइनर चलता है इसलिए वो प्रिंट का
मैंने ऐसे गलत कर दिया, या फिर मैं सी का भक्त हूँ तो मैंने प्रिंट एफ लिख दिया, तो यहाँ इस लाइन नंबर पे आके वो एरर मारेगा। इतनी लाइंस तो प्रॉपरली वर्क करेंगे, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्यों गलत हो गया? इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। यहाँ तक आके वो कंपाइल एक एक लाइन करके अपने को आउटपुट दिखाएगा। प्रिंट एफ जैसे ही आएगा, मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं, पाइथन बोलेगा तो एरर मार देगा और यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप इसलिए होना है उसको क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होंगी तो आगे भी गड़बड़ हो ही सकती है, तो स्टॉप हो जाओ। बट इसमें अगर प्रिंट एफ की जगह पे कोई पाइथन के भक्त ने प्रिंट लिख दिया तो भाई कभी भी ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होना है। कंपाइल नहीं होगा तो वो ना असेंबली में कन्वर्ट होगा, देन ना बाइनरी में जाएगा, ना अपने को एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी, ना उस फाइल को कभी रन कर सकते। तो ये है कंपाइलेशन। ठीक है, पाइथन में प्रिंट एफ नहीं है। उसके बाद में और एक चीज है कि पाइथन जैसी लैंग्वेज में अभी लाइब्रेरीज धड़ाम से इतनी सारी लाइब्रेरीज बन रही है कि मतलब बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया है उसकी वजह से। तो लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज है तो ऐसी चीजें रहती है। उसके बाद में नीचे का निकाल दे, एक बार फॉर्मेट कर ले, लाइन सट गई। ओके, तो बूल नाम का डेटा टाइप है नहीं, तो मैं क्या यूज करूँ अभी? सिंपली वही अपना इंट, बट कैसा वाला इंट? शॉर्ट इंट, बिकॉज मुझे पता है कि ये ना ही माइनस में जाएगा और वैल्यू जीरो रह सकती, क्या रह सकती है, बट फिर भी शॉर्ट इंट लेके, शॉर्ट इंट। ठीक है, तो एक रिस्क लेते अपन, शॉर्ट इंट लेके स्ट्रक्चर डेटा दिया। ठीक है, यू एंटर डेटा ऑफ यूजर परसेंट डी, शॉर्ट इंट के लिए भी ठीक है, देखते अपन। इंट आई लिख देते अभी का, अच्छा इंजेक्ट ज्यादा टाइम जाएगा। अभी इसके अंदर क्या है, अपन ने व्हाइल डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। डू व्हाइल लूप क्या होता है, एक रहता है व्हाइल लूप, एक रहता है डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में कैसा है, जब तक तब तक, जब तक ऐसा है कुछ तब तक ऐसा तुमको करना है। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया व्हाइल लूप में गोलगप्पे खाने को गया, मैं जेब में पैसा है, जब तक पैसा है गोलगप्पे वाला गोलगप्पे देगा, वो आइसक्रीम कैफे वाला आइसक्रीम देगा। ठीक है, पैसा खत्म, ना आइसक्रीम ना गोलगप्पे मिलेंगे। ठीक है, तो व्हाइल आई हैव मनी इन माई पॉकेट, तब तक क्या होगा, मुझे वो मिलेगा। ठीक है, आइसक्रीम बोलो, गोलगप्पे बोलो, या फिर और कुछ खाने को गया तो वो मिलेगा। उसके बाद क्या रहता है, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, एक बार पहली बार वो एग्जीक्यूट होता ही है। अभी इसका कैसे एग्जाम्पल, सेम सेम एग्जाम्पल, गोलगप्पे वाला बोल रहा है एक बार यूज कर खा के देखो, पैसे मत देना, पहली बार खा के देखो सिर्फ, हो सकता है ना वो बासी हो या फिर कोई उसका सेल वगैरह हो, तो एक बार तुमको फुकट में मिल जाएगा। मैं गया मस्त संजय समोसे के बाजू में, वहाँ पे वो कौन से मिलती है, गरम पानी पूरी शायद, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे सेल लगा हुआ है, एक बार खा के देखो अच्छा लगा तब नेक्स्ट प्लेट के ही पैसे देना, वरना फर्स्ट प्लेट तुमको फ्री है। पहली प्लेट फ्री है बोले तो चलो, फिर पता चला कि उसमें उसने दो ही गोलगप्पे डाल के दिए थे, लेकिन टेस्ट तो मिल गया ना अपने को। तो ऐसा है डू व्हाइल लूप, डू में जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, बट एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही है डू व्हाइल में। एंड व्हाइल लूप में जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी, नहीं तो फिर एंड हो जाएगा उससे। ओके, तो यही काम है डू व्हाइल लूप के। उसके बाद में एक गो टू नाम का स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा या नहीं पता नहीं, ऑब्जर्व किया होगा या नहीं पता नहीं,
एक गो टू का किधर गया ये, गो टू में कैसा है, वहां पे हम लेबल दे देते है ना, लेबल नाम की चीज रहती है। लेबल तो मैक्सिमम यूज होते हैं वो बैच स्क्रिप्ट में और क्या बोलते हैं शेल स्क्रिप्ट में, वो काहे के लिए। बैच और शेल क्या है, तो जो अपने विंडोज की प्रोग्रामिंग रहती है ना, किसने बचपन में वायरस वगैरह बनाए होंगे विंडोज के लिए, तो उनको पता होगा। तो BAT करके एक्सटेंशन रहता है उस फाइल का। तो उसमें कैसा होता है, अपन कुछ कमांड्स डाल लेते हैं, वो कमांड्स रहते हैं बैच के कमांड्स, वो कहीं पे भी अपन इजिली सीख सकते हैं, कोई बड़ा उसको ये नहीं चाहिए, इजिली मिल जाते हैं। उसमें वायरसेस बहुत सही बनते हैं। और PC तो कभी, वो PC क्या है, मॉनिटर भी कभी कभी काम करने लायक नहीं रहता, तो ऐसे बैच स्क्रिप्ट है, क्योंकि वो कर्नल के साथ में, वो विंडोज की फाइल है तो उसके साथ में जाता है। तो बैच में मैक्सिमम टाइम गो टू यूज होता है, फॉर प्रिंटिंग टाइम, फॉर प्रिंटिंग द स्टेटस ऑफ स्टॉक्स, फॉर प्रिंटिंग द स्टेटस ऑफ एनीथिंग जो कि इंटरनेट से आ रहा है या फिर सच थिंग्स। ओके, देन शेल स्क्रिप्ट जो बोली मैंने, जैसे कि ये मैं नीचे में टर्मिनल ओपन करता हूँ, उसमें SH यानी कि शेल यूज होता है। तो शेल क्या रहता है, लाइनक्स या फिर यूनिक्स के लिए या फिर मैक के लिए जो बनाया गया है ना, वो शेल है। मतलब वैसे विंडोज में बैच की स्क्रिप्टिंग है, वैसे लाइनक्स टाइप में या फिर एंड्रॉयड भी बोल लो अपना, एंड्रॉयड में भी शेल की स्क्रिप्टिंग चलती है। वो शुभम ने अपने टर्मक्स शेयर किया था ना, उसको आप ट्राई करना एक दो बार, उसमें ना शेल स्क्रिप्टिंग होती है, तो वो तगड़ी है भाई शेल स्क्रिप्टिंग, पूरी काली लिनक्स उसी के ऊपर से बेस्ड है। क्योंकि तो शेल स्क्रिप्टिंग अगर किसी को आती है ना, तो वो पर्सन किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकता है फॉर देयर ओन OS। अगर वो OS क्लाउड में है तो फिर भाई क्या कहना, तुमको तो 1.5 लाख रुपए महीने का कोई भी देने के लिए रेडी हो जाएगा, बट उसमें बेस्ट होना चाहिए। नहीं तो फिर पता चला कि उधर से बॉटवेयर और कुछ मालवेयर आ गया, तो या फिर रूटकिट ही आ गई, तो पता चल गया कि नहीं अभी तो ये डेवलपर किस काम का नहीं है, तो फिर तब बहुत प्रॉब्लम जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, एकदम अच्छे से करके रखना, अगर करके रखा है ना, यूज़ भी नहीं करना है कभी, तो किसी को दिक्कत है क्या, कुछ सीख के रखा है नई चीज़ तो नहीं, अच्छी बात है। ओके, तो ये गो टू कमांड है, इसका भी यूज़ करते हैं अपन, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, टाइम में ये मैनेज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आए अपन, एक देते डू व्हाइल लूप यूज करते, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा चीजें यूज करेंगे। डू व्हाइल लूप कैसे लिखते, पहले डू का स्टेटमेंट ब्लॉक, देन व्हाइल में कंडीशन। व्हाइल का भी देख लेते एक बार, अभी व्हाइल जब तक व्हाइल इंट आई आई इक्वल्स टू 1, मतलब इसको एक बार इनिशियलाइज कर देते, ठीक है, 1 से, जब तक आई नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है 1, यहाँ पे डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू किस लिए, कंपैरिजन के लिए, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स भी नहीं लिया यार अपन ने, ठीक है। तो एक बार देख लेते ओवरव्यू छोटे छोटे ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर क्या रहता है, एक ऐसा कुछ दिखने वाला चीज रहता है, वो नंबर भी नहीं रहता, वो ना ही अपना अल्फाबेट रहता है, वो एक स्पेशल टाइप का सिंबल रहता है। स्पेशल सिंबल मतलब ऐसा इक्वल टू हो गया, ठीक है। निकालो क्या अपना न्यू, इसमें कोई अलग से लैंग्वेज लेते अपन, अपन लेंगे इसमें वही अपना मार्कडाउन ले लेते। ये देखो यहाँ पे जूलिया मार्कडाउन, HTML बैच, ये बैच स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी गो टू नाम का कमांड है, हो गया ना कलर चेंज, मतलब ये कमांड है इसमें, ये बैच का है। देन अपने को मार्कडाउन चाहिए था, मार्कडाउन में गो टू नाम का कोई कमांड है नहीं, तो अपन देखते रहते।
ये हो गया हेडिंग टू, ये हेडिंग वन था। क्या देख रहे थे अपन, भूल गए क्या? देख लेते, यहाँ पे थे ऑपरेटर्स। हाँ AORS। दिव्य यू आर अनम्यूटेड योर सेल्फ। मेरे पास पावर है किसी को म्यूट करने की। तो देखो, ये एक बार एच मतलब एच वन, हैश मतलब एच वन, दूसरी बार मतलब एच टू, तीसरी बार मतलब 3 4 5 6, उसके बाद सातवां दे दिया तो नहीं चला। ठीक है, अरे किसी को बोलना है कुछ? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अननेसेसरी मत चालू रखना सिर्फ माइक। तो एच टू का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके ऑपरेटर्स सेव नहीं करता। उसके बाद में मैं दे रहा हूँ एक बार डैश, तो ये हो गया। ऑपरेटर किस टाइप के रहते हैं? एक सिंपल सिंपल ले लेते, अरिथमेटिक। अगर किसी को कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते, सिर्फ अननेसेसरी माइक ऑन मत रखना। ये हो गया अरिथमेटिक, लॉजिकल। लॉजिकल रहता है क्या? ठीक है, लॉजिकल। देन रिलेशनल। भाई ऐसे वर्ड्स है कि फरवरी महीने एकदम चार चांद लग जाते हैं उसमें। रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, कंपैरिजन। कंपैरिजन तो रिलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अभी का देख लेते, इतने ही देखते। अभी अरिथमेटिक में कैसा है, उसके अंदर भी कुछ रहता होगा ना। अरिथमेटिक में प्लस ऐसे भारी भारी पहले लिख देता हूँ ताकि वजन पड़े, ऐसा कुछ ऑपरेटर। देन डिवाइड का, देन मॉड्यूलस, ये रहता है नहीं अभी सी में तो है नहीं। तो लिखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, प्लस, और भी जो ऑपरेटर्स यूज होते होंगे वो है अरिथमेटिक में। मतलब एक अरिथमेटिक अपन ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, लॉजिकल में क्या हो जाता है? एंड, दो बार है। ठीक है, और अभी और कैसे क्या टाइप करते हैं अपन? ठीक है, अपने कीबोर्ड पे, चाहे लैपटॉप का कीबोर्ड हो, चिकलेट ऐसा कुछ, सभी चिकलेट कीबोर्ड रहते हैं, चाहे कीबोर्ड का हो अपने प्लगइन वाले, या फिर एंड्रॉयड के तो कुछ अलग ही रहता है, कुछ आईफोन में भी रहता है शायद। तो ये कैसे देते, चिकलेट कीबोर्ड पे देखते, एंटर का बटन है, उसके जस्ट ऊपर में एक बैक स्लैश रहता है, ये वाला। ठीक है, ये कहते हैं बैक स्लैश। ये रहता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश। मैंने क्या करता हूँ, ऐसे ऐसे अपने वर्ड्स बन जाते बोल बार। तो कुछ लोग यहाँ पे भी दिमाग लगा देते और इमोजेस बना देते, तो अपने को ना बैक स्लैश चाहिए ना फॉरवर्ड स्लैश। बैक स्लैश के ऊपर ही शिफ्ट दबा के बैक स्लैश दबाएंगे तो पाइप आता है, उसको पाइप बोलते हैं। और दो बार देंगे तो उसको लॉजिकल और बोलते हैं। उसके बाद में है ये एक्सक्लामेशन, ये तो पता है, ये एक्सक्लामेशन कहाँ पे रहता है, वन के ऊपर। तो एंड और नॉट, ये है एंड, दो बार एम्परसेंड, ये है और ये है नॉट। मतलब कि लॉजिकल है ना, तो लॉजिक के लिए यूज होंगे सिंपली एकदम। रिलेशनल में वही यार, एकदम सिंपल सिंपल, लेस देन, ग्रेटर देन भी आई गया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू सिंपल वाला नहीं, ये असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। डबल इक्वल टू, देन लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद में नॉट इक्वल टू,
वो टाइम पास के लिए रहता है, नॉट वाला, तो ऐसा है। उसके बाद में असाइनमेंट, असाइनमेंट में कैसे रहता है, शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं असाइनमेंट को बहुत बार। शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्टकट मारना है। अभी गाड़ी की में अपन कुछ लगा के आजकल तो कर नहीं सकते, लेकिन पहले होता था, तब वो शॉर्टकट्स मारते थे अपन, है ना। तो ऐसे शॉर्टकट्स रहते। असाइनमेंट्स में भी अपन शॉर्टकट कर ही लेते, ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट की याद आ गई, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल में मस्त लिखने के लिए बहुत सारा मिलता है। अपन तीन का कभी कभी कोई पर्सन तो आधे पेज को ही 1.5 में लिख देता है एंड फुल मार्क्स ले लेता है, तो ऐसा नहीं रहता है वो। फिर भी लिखना अच्छी चीज है। असाइनमेंट, तो असाइनमेंट कैसे, एक बार इक्वल टू मतलब वैल्यू पास हो जाएंगी। राइट हैंड पे लिखी हुई रहती है वैल्यू, लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ रहता है क्या रहता है यार, पाइथन का लोगो का ही दिख रहा है, नहीं सीखना है, ढूंढ से। सी का लोगो ऐसे, देखो देखो मुझे ब्रांडिंग करनी थी, उसके भी काम आ गया। मैं कभी ऐसे ऐसे कर सकता हूँ तो उसके भी काम आ गया। अभी इसको राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकता हूँ, पूरा दिख रहा है, तो ज्यादा अच्छी ब्रांडिंग होंगी, ठीक है। तो ये देखा कि किसी ने एली क्या था, एली एली वो एली गोल्डिंग की याद आ जाती है, एली गोल्डिंग नहीं, एली एलिमेंट्स ऐसा कुछ तो। अभी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का देखा होगा तो है आपके लिए स्पेस। एंड अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में, लॉक फोर जे के बारे में, किसी एक भी टॉपिक के बारे में किसी ने अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाले होंगे ना, तो पर्सनली उसके लिए एक गिफ्ट है जो आज ही मिलेगा, है ना। तो थोड़ा अच्छा है वो, कैरी ऑन कर रहा। असाइनमेंट है अभी का, एक कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, राइट हैंड पे जो वैल्यू रहती है वो लेफ्ट हैंड में जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड में जो वेरिएबल स्टोर्ड रहता है उसमें सेव होती है। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ना कमांड भी बोला जाता है। कमांड अपन बोलते हैं ना, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन ये, कमांड लाइन वो। तो कमांड लाइन मतलब क्या होता है, या फिर कमांड मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होता है, राइट हैंड पे जो लिखी हुई वैल्यू रहती है ना, तो वो लेफ्ट हैंड पे लिखे हुए वेरिएबल में स्टोर होती है। मतलब लेफ्ट हैंड पे क्या रहता है बकेट, राइट हैंड पे क्या रहता है वैल्यू, या फिर उसमें जो भी चीज डालनी है। अभी छोटा सा बॉल ले लिया मैंने, उसमें तो उसमें ये डाल दूंगा मैं शक्कर, मस्त कॉमेडी सीरियल की याद आ गई। अभी देखूंगा मैं एक आधी, जो जिसमें आंटी जी शक्कर मांगने के लिए आती है और कुछ ज्यादा ही लेके जाती है, तो ऐसे कुछ सीरियल्स की भी याद आ गई। तो वो शक्कर उसमें डाल दिया तो क्या हो गया, राइट हैंड पे शक्कर है, लेफ्ट हैंड में खाली बाउल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड का बाउल मतलब वेरिएबल, तो राइट हैंड की शक्कर गई लेफ्ट हैंड के बाउल में। ओके अभी वो शक्कर के बारे में ठीक ठाक नहीं है, बट ठीक ठाक मतलब अपन समझ तो सकते हैं ना कि वैल्यू चली गई थोड़े से कपड़े धोने के लिए, तो बकेट में डाल दिए लेफ्ट हैंड की, तो चला गया। उसमें वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड हो गई, तो सेम थिंग राइट हैंड की चीज लेफ्ट हैंड के वेरिएबल में डाल दो। अभी उस वेरिएबल को जब यूज करेंगे तब वो कहीं भी रह सकते हैं, वो वेरिएबल अपन एज ए फॉर्मेटेड प्रिंटिंग स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर वो लॉजिक में ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ऐसा है। अभी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है क्या, आई इक्वल टू वन लिखना ही टाइम की गरज है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा भी लग सकता कोई, और कोई 30 मार्क आके बोलो कि ये गलत लिखा हुआ है, नो दिस इज 100% एक्यूरेट, दिस इज 100% क्लियर, बट द स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसा है कि अगर आप वेरिएबल को लेफ्ट हैंड में लिखते हो एंड वैल्यूज को राइट हैंड में लिखते हो, तो क्या होता है, जो भी अपना कंपाइलर है, जो भी अपना इंटरप्रेटर है, या फिर जो भी पूरे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें वो कोड जाएगा, वो खाएंगा ना कोड को, अपने कोड को खाता है, उधर से आउटपुट देता है,
आउटपुट उधर से मिलेगा क्लाइंट को, अपने को क्लाइंट देगा पैसा, लाइफ होंगी बेहतर। नहीं मिलेगा पैसा तो कहाँ से लाइफ होंगी अच्छी, है ना। तो ऐसा है, राइट हैंड में अगर अपन वैल्यू वैल्यू को लिखते हैं ना, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, एक थोड़ा बेटर थिंग रहता है। राइट हैंड में अपन लिख रहे हैं वेरिएबल के नेम को, एंड लेफ्ट हैंड में लिख रहे हैं वैल्यू को। ये किस में? कंडीशन में। ऐसा कभी भी इसमें नहीं होता है, इसमें मैं लिखूंगा वन और इसमें वैल्यू दूंगा आई। तो ये सरासर मतलब गलत चीज है। तो डिक्लेरेशन या फिर इनिशियलाइजेशन, ये जो भी चीज है, तो लेफ्ट हैंड में रहता है वेरिएबल नेम, राइट हैंड में रहती है वैल्यू। बट जब अपन कंपैरिजन कर रहे तब लेफ्ट हैंड में वैल्यू, राइट हैंड में भी ये रह सकता है, राइट हैंड में वैल्यू रह सकती है। कोई बोल देगा क्या? एसक्यूएल इंजेक्शन में अपन यही यूज करते, वन इक्वल टू वन कर दिया और डेटाबेस की एंट्री मिल गया अपने को, है ना। तो आई इक्वल टू वन, तो हो गया। अभी इस चीज पे ध्यान देते, एक ही बताया। तो असाइनमेंट और भी टाइप के रहते, एक बार मैंने असाइन कर दिया वैल्यू, उसके बाद में वैल्यू को असाइन करते वक्त इंक्रीज कर दिया। अभी वही बाजू की आंटी आई, अपने मम्मी को पूछा, पहले तो अपने को पूछेंगे, बेटा अच्छा बेटा कौन सी क्लासेस कर रहा है? अभी तो ऑनलाइन ही क्लासेस है। ओहो, गेम खेलता तो नहीं? क्लासेस ही करता है या गेम खेलता है? और अगले महीने बेटा मैंने तुमको देखा था कहीं पे, बताओ क्या मम्मी को, है ना। तो वो फिर अपने मम्मी के साथ बात करने को जाती है, तो अरे फिर थोड़े से बिस्किट है क्या, वो भी दे देना। अरे आपने कितनी दी शक्कर? एक। अरे यार थोड़े और मेहमान आने वाले थे तो डाल दीजिए ना थोड़ा सा। तो वो क्या हो गया, जगह पे भैया, जगह पे तुमने तीर मार दिया, उसको कैसा है ऐसा। प्लस इक्वल टू, ये शॉर्ट हैंड है। अभी इसका यूज भी देख लेते, मैं बोलूंगा दिमाग के ऊपर से जाएगा तो ठीक है। ये है आई, आई के अंदर में कुछ तो भी वैल्यू है जो कि है वन, अपने को पता है वन है, अपन ने डिसाइड किया। तो एक ऐसी चीज रहती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हो गया कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। एक ही वेरिएबल पे काम कर रहे, मतलब यूनरी, ये है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। ये है बाइनरी ऑपरेटर, एक टर्नरी भी है तो नहीं जाएंगे उतना देर। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, एक ही वेरिएबल पे काम कर रहे इसलिए बाइनरी। उसके बाद में क्या हो गया, मुझे आई इक्वल टू आई, सॉरी आई प्लस वन, आई प्लस वन, ठीक है। ये क्या हो गया, आंटी ने बोल दिया हाँ मुझे ना शक्कर चाहिए, बट थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए मम्मी। अच्छा शक्कर और चाहिए, पहले डब्बा अपना वो कर लेंगी। देखो अभी हमको भी चाय के लिए चीनी लगेगी, हम आपको आधी दे सकते हैं, क्योंकि डब्बे के तो पहले ही निकाल दी थी, पता था। बट आंटी भी हो जी जा रहे, उन्होंने क्या किया शॉर्ट हैंड मारा। अभी सेम मैं इस स्टेटमेंट को किया कॉपी, कॉपी पेस्ट, आई आई इक्वल टू आई प्लस वन नहीं करेंगे, पहले नहीं बताएंगे, शॉर्टकट मारेंगे आई प्लस इक्वल टू वन, मतलब ऑन टाइम रन टाइम में। अच्छा है क्या इनके घर में? और हाँ और दे दीजिए, और तो बिस्कुट भी चाहिए हमको, चाय पत्ती भी खत्म हो गई, वो भी दे दीजिए, अभी चाय बना के दे दीजिए, है ना, गैस भी आप यूज करिए, ऐसा भी होता है। तो वो एक एक चीज रहती है। तो ये सिर्फ प्लस के साथ में नहीं होता, माइनस डिवीजन और भी जो भी दुनिया भर का ऑपरेटर है इसमें, उसके साथ में हो सकता है ये। एंड ये क्या है, सेम है, बट कौन सा अपने कंपाइलर को ज्यादा सूट करेगा, ये वाला। कौन सा लिखने में इजी है, ये वाला। कौन से समझने में इजी है, पहला वाला। कौन सा समझने में हार्ड है, सेकंड वाला। अपना प्रोग्राम कब ऑप्टिमाइज होगा इससे, देखो ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो क्लाइंट का
पैसा बचेगा या फिर सर्वर के जो भी चीज है, तुमको कंप्यूटिंग पावर कम लगेगा। कंप्यूटिंग का पावर कम लगेगा मतलब पैसा बचेगा, मतलब ज्यादा सैलरी। तुमने पहले ही वेस्ट कर दिया सर्वर्स पे और इस पे, सैलरी तो कम ही मिलने वाली है ना, बिकॉज ऐसी चीजें हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन इज द बेस्ट थिंग, तो ऑप्टिमाइज करके रखो। दिस इज ऑप्टिमाइज कोड, दिस इज सेम कोड। अभी ये तो उससे भी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, ये तो ऑपरेटर ही मिला था प्लस प्लस, बट देखा नहीं अपन ने, देख लेते अभी। तो प्लस प्लस या फिर आई माइनस माइनस, ये है यूनरी ऑपरेटर, बोल दे यूनरी ऑपरेटर, जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दो बार लिखा हो इसको। और भी इसमें दो चीज रहती है, क्या रहता है वो, प्लस प्लस आए और एक रहता है माइनस माइनस आए। ये जो चीज है ना, ये किसी भी इंडिया के बोलो, वेस्टर्न के बोलो, हर इसमें ये चीज कॉमन है। ये चीज है ना एग्जाम में कभी भी पूछी जाती है, एंड इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस, इसको सिली मिस्टेक बोलते, ठीक है, मैंने खुद गलती की हुई है, मुझे पता है, तो मैं बताऊंगा कहाँ पे गलती होती है। आई प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, पहले तो लिख लूँ मैं इसको। और एक लिख लो, ये ऊपर के है बाइनरी ऑपरेटर, ये था यूनरी, एक टर्नरी। टर्नरी कौन सा है, कोलन क्वेश्चन मार्क है या क्वेश्चन मार्क कोलन है, देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन मार्क कोलन होना चाहिए, ठीक है। अपन यहाँ पे देखते हैं, TTT, यहाँ पे यूनरी से पहले अपन खत्म करते हैं TTT, ठीक है, TTT, 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 ये आवाज मैंने अपने मुंह से निकाला, यानी कि तो अच्छा लगता है इसलिए सिर्फ। ये है यूनरी, बाइनरी है यार, बाइनरी, ठीक है। ओह नहीं देख रहे, हाँ उनके अंदर में जाएंगा ना वो, तो वो थोड़ा सिंटेक्स है, दे देते ना बाइनरी, ठीक है। ऑपरेटर हो गए आपके, हो गया, नहीं लगता है क्या ऐसा, हाँ हो गया। HTML का भी सिंटेक्स ले लिया इसने, तो देखो हमको राइट हैंड का देखना है, लेफ्ट हैंड का मेरे लिए है। देखो एक है यूनरी ऑपरेटर, मतलब कि एक ही वेरिएबल पे काम करते हैं। तो टेक एन एग्जांपल, अभी आ ही रहा है फरवरी, तो एक ही चीज पे कोई लगा हुआ होगा तो वो यूनरी ऑपरेटर कुछ रहते, ये नहीं मिला तो वो सही, तो बाइनरी। कुछ लोग ज्यादा ही 30 मार्का रहते, टर्नरी, तीन पे एक साथ में चांस देखेंगे, मिला तो तीन, नहीं तो फिर एक भी नहीं, तो बाइनरी वाले ज्यादा रहते शायद। तो यूनरी वाला ऑपरेटर भी एक ही है, बाइनरी वाले ज्यादा है, टर्नरी वाला एक ही है। तो यूनरी में कैसा है, प्लस प्लस माइनस माइनस यूज होते हैं। ये आई प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, देखो दिस इज अ लूप, ये है लूप। लूप क्या है, लूप क्या है, घूमते रहता है। अभी लूप घूमेगा नहीं तो क्या नाचेगा, क्या नाच भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको तुम कमांड दो वो नाच के भी दिखाएगा। लूप ज्यादातर तो घूमते रहता है, अभी लूप घूमते रहता है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ घूमते रहता है, कुछ काम वाम करता है नहीं, बट पूरे काम में सबसे मेन चीज रहता है भैया लूप। लूप अगर यूज करते नहीं आया ना, तो उस पर्सन को कंपनी के वो जो सबसे
पहला टेस्ट होता है ना, उसमें वो एलिमिनेट छोड़ जाता है, एलिमिनेट एलिमिनेट हो जाता है, या फिर हो जाती है, लड़कियां भी वो छोड़ते नहीं, एलिमिनेट कर देते फट से, बिकॉज वो तब फेस नहीं देखते अपना, तब सिर्फ स्किल देखते, कि उसको लूप तो यूज करते हैं प्रोग्राम में, एक व्हाइल लूप कंडीशन तो यूज करते हैं, ये चीज देखते तभी इंटरनल में जाते हैं, मतलब आगे का राउंड वाउंड रहता है। तो ऐसा है, तो लूप कैसे है वो, और क्या, एक इम्यूटेबल नाम की चीज रहती है, तो वो भी है शायद कल, तो लूप है ले लो अपना। तो ये जो लूप है ये क्या, इसके अंदर का कैसा है, घूमते रहते हैं जब तक इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो घूमते रहेगा। प्लस वन थिंग, लूप का सबसे ज्यादा यूज होता है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में, और सॉर्टिंग एल्गोरिदम ही ले लेते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में सबसे ज्यादा यूज होता है लूपिंग का, बिकॉज सॉर्टिंग में अपने को पासेस करने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है ना कि यहाँ पे ये चीज है, उसको सेट करो, ये करो वो करो, तो वो लूपिंग में सबसे ज्यादा चीज है यूज होती है, और लूप सबसे ज्यादा यूज होते हैं पहली बार, तो लूपिंग के अंदर में ये हो गया यूज। भाई ये आई प्लस प्लस का मीनिंग, बाकी छोड़ दो, बाकी क्लियर मार दी, आई प्लस प्लस का मीनिंग ये भी छोड़ दो, मैं नया क्रिएट कर लोगे, कॉपी कर लेता, ये लूप है, दूसरा लूप भी समझाने में आ जाएगा, है ना, ये है डू व्हाइल लूप, डू में ये और व्हाइल में कंडीशन, ठीक है, व्हाइल में। अभी देखो ये जो पहले अपन ने सिर्फ व्हाइल लूप लिखा ना, उसके बाद में सेमीकोलन है नहीं, दे दिया तो वही पे वो खत्म हो जाएगा ना, बट व्हेन वी यूज डू व्हाइल लूप, व्हाइल चाहे व्हाइल तुम ऊपर लिखो चाहे व्हाइल तुम नीचे लिखो, है ना, इस व्हाइल सारे इसको मार, नहीं इसको रखना पड़ेगा, भी इस व्हाइल को तुम चाहे ऊपर लिखो चाहे तुम डू के नीचे लिखो, इस डू को नीचे लिख देते, चाहे तुम ऊपर लिखो नीचे लिखो नो प्रॉब्लम, सिर्फ तब इस व्हाइल के बाद में को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, व्हाइल आई आई इज लेस देन, हाँ मतलब आई प्लस प्लस कर रहे ना अपन, तो यहाँ पे क्या है, आई प्लस प्लस सेमी कोलन, तो इसके अंदर गया, आई की वैल्यू बढ़ा दिया, आई की वैल्यू क्या थी, वन, पता है ना अपने को, वन है आई की वैल्यू, वन है बिकॉज कमांड में अपने पहले सबसे पहले पास किया था, आई की वैल्यू वन डू हो जाएगा, तो अभी आई की वैल्यू क्या होगी भैया, आई की वैल्यू वन ही है, आई की वैल्यू वन ही है, आई प्लस प्लस से मिला ना, फिर भी आई की वैल्यू वन ही है, बताए कैसे भी आते इसको कमेंट करने, से मार देते इसको कमेंट, तो अपन चेक करते, बिकॉज मैं बोलूंगा तो मेरे इसमें तो भरोसा होगा नहीं सबको, आई की वैल्यू वन की वन ही रहती है इसमें, ये प्रूव करने के लिए देखते, जब तक आई की वैल्यू 3 नहीं होती तब तक इसको ये करते, सबसे पहले ठीक है, ठीक है अभी इसमें देखो क्या है, इसको भी मार दो अभी कमेंट, डू पहले तो आई की वैल्यू प्रिंट मारेगा, उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करे इसका 1 से, और फिर प्रिंट करेगा, उसके बाद और से जाएगा, ठीक है ना, और एक प्रिंट एफ लगा लेते हैं, वहां पे क्या लिखेंगे, ऐसा वो डैश 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 अपने, इसका मतलब है कि खत्म हो गया एक लूप, अभी सेम को अपन कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, अभी देखो लूप स्टार्ट हो गया, तो उसके पहले ये आ जाएगा, उसके बाद ये तो ब्लैक सिलेक्शन भी लगा देते हैं, उसके बाद ब्लैक सिलेक्शन, ब्लैक सिलेक्शन, और इसके शुरुआत में भी ब्लैक सिलेक्शन,
समझ जाएगा, बेटर होगा। अभी देखते हैं इसको करके, बेसिक्स इसको होना चाहिए, इसको इसी साइड में डाल देते हैं, ठीक है। हाँ डन, कोई दिक्कत नहीं। प्रीव्यू, ये प्रीव्यू था, क्लोज कर दिया। अभी ये प्रोग्राम है अपना बेसिक्स, टर्मिनल शायद होगा, है रिस्टोर किया हुआ है। देखो आईडी बेटर है तो देखो कैसे अच्छा है। ओह क्रिस्टन का भी नाम आ गया। क्लियर। अपने को जाना है सीडी डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश A6 LS D6.C GCC D6.C डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए डॉट आउट, बिकॉज वही डिफॉल्ट है। एंटर। देखो भैया है ना कमाल की चीज़, के है वैल्यू 1। नहीं रे बाबा, उसने इंक्रीज किया वैल्यू को, गलत तो नहीं हो गया। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू थी पहले 1, उसके बाद में हो गई 2, उसके बाद में 2 3 3 हो गई। गड़बड़ हुई, प्लस प्लस तो 1 की वैल्यू हो गई 2, उसके बाद में ये हो गई। तो देखते प्लस प्लस आए करके देखते क्या होगा, क्योंकि रिजोल्यूशन अच्छी चीज है, मतलब नहीं तो दोनों चेंज ही नहीं प्रोग्राम में तो है ना। अपन क्या करते, डू वाइल है इसको फॉर लूप में डाल देते, फॉर लूप भी क्लियर हो जाएगा। तो फॉर लूप कैसे रहता है, यहाँ पे दिखाई दिया था, फॉर इन स्टेटमेंट कंडीशन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है ले लिया तुम्हारा ही भाई। ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, फॉर लूप में अपन एक नया वेरिएबल भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। वैर जे राइट यार, वैर नहीं रहता है, इंट रहता है। इंट जे इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, इसको कर दिया अपन ने कमेंट। वैर इंट जे 0, कंडीशन क्या है रखते, सही वही जे इज लेस देन पी, हाँ वही। उसके बाद में इंक्रीमेंट स्टेटमेंट आई प्लस प्लस, ओके। अभी करना क्या है, वही सेम चीज है जो इसके अंदर थी, बट उसको कमेंट हटा देंगे, कमेंट मार देते हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा है समझ गया क्या, फॉर लूप लिखने का। फॉर उसके बाद में एक तो चिपका के लिख सकते हैं, बिना चिपका के भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं उसको। तो ऐसा एक ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस ओपन होंगे, इंट जे इक्वल टू 0, नहीं भी रहता जे इक्वल टू 0 भी लिख सकते, या फिर आई इक्वल टू 0, या फिर सीधा ये वेरिएबल का नाम ही दे देते हैं, है ना ऐसा। तो ये भी तीनों भी चीज़ें चलती है, या फिर नहीं भी दिया कुछ यहाँ पे, तब वो क्या होगा इन्फिनिट में चला जाएगा। इन्फिनिट का देख लेते, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है अभी, देखते दोनों एरर मारा क्या इसने, ना ही अभी देखते। देख लिया भाई, इसको बोलते इन्फिनिट स्टेट। अभी ऐसे टर्मिनल में हो गया तो अपना मेरा प्रोसेसर एकदम ज बढ़ गया काम करना, तो क्या करना कंट्रोल प्लस सी टर्मिनेशन के लिए, कंट्रोल प्लस सी दबा दिया तो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब अपने टर्मिनल में जब कंट्रोल सी दबाते तो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये अपने को टर्मिनेट करने का गरज नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आई प्लस प्लस है, सेम कमांड्स। हो गया,
सेव तो किया था। कंपाइल भी तो किया था यार अपन ने, इंटर। अपन ने आई प्लस प्लस किया, देखा एक छोटी सी गलती होती है तो कुछ ना कुछ उसका मतलब नुकसान भी होता है। जे प्लस प्लस करना चाहिए था तो आई प्लस प्लस कर दिया, उसका बराबर है। उसको जे की वैल्यू बड़ी नहीं, जे की वैल्यू 0 ही है तो वो इंक्रीज करते ही रहेगा, उसका भी सही था। ये लिखा हुआ है पहले वैल्यू हुई 2, मतलब पहले 1 थी तो 1 कैसे हो गई, जे की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू प्रिंट किया अपन ने, नहीं आई की। अपने को क्या करना है, जे की वैल्यू को प्रिंट करते, और इसकी भी गरज नहीं अपने को। टाइम बहुत जाता है इसमें। जे हो गया, जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे जो भी है। कैसे आया आउटपुट 1, ये 1 था। वैसे भी इसको ले जाओ, इसको 2 बार आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज यहीं पे अपन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। 1 हो गए पहले वैल्यू, 0 थी तो 1 हो गई। देखो 0 प्रिंट किया उसने सबसे पहले, ये यानी कि स्टार्ट हो गया लूप, उसके अंदर 0 प्रिंट हो गया, ये अपने गलती से 2 बार दे दिया, 0 हो गया बिकॉज उसकी वैल्यू थी 0, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है 0। पहली बार आया 0 था, इसने इंक्रीज किया क्या? ना ही भैया, इसने इंक्रीज ना ही किया, 0 था, 0 गया, उसके बाद आया 1 किया, आया नो नहीं किया अभी तक, इसने नो किया ही नहीं, इसने 0 का 1 किया, अभी 1 था 2 किया, अभी 2 का क्या हो गया, 2 के बाद कर दिया इसने, क्या कर दिया होगा 2 के बाद, 2 प्लस 1 भूल गया रे बाबा, 2 प्लस 1 3 को प्रिंट कहे नहीं किया, प्रिंट करना चाहिए था ना इसने, बट इसको क्या बोले अपन ने, 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए है ना, छोटा होगा तभी इक्वल टू लिखे क्या, नहीं लेस देन और इक्वल टू 3 लिखा रहता तो 3 भी लिखा हो, मतलब 3 पे भी उसने एग्जीक्यूट किया रहता, बट नहीं है तो 2 तक ही होगा। तो ये है, उसने जैसे इसको 3 मिल गया तो 3 से छोटा होना चाहिए, तब उसने नो कर दिया यानी कि नो किया, तो अभी है जे प्लस प्लस था, समझ गए, अभी करते प्लस प्लस जे, प्लस प्लस जे माइनस के साथ भी करके देखेंगे। एंटर, ये था 0 1 2, मेरे मजा ले रहा क्या भाई, 0 का 1 करना तो चाहिए था। एक काम करते इसको ना, यहाँ पे इनिशियलाइज वगैरह करते हैं नहीं अपन, ठीक है, क्योंकि इसने 0 का 1 कर दिया, 1 का 2, तो अपन इसमें आई ही यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे, एंड आई की वैल्यू पहले पता है अपने को 1 है तो 0 कर देंगे, कंसेप्ट समझना चाहिए। आई इज लेस देन 3, वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक तो है ना भैया, एंड प्लस प्लस आई ही कर देते, ठीक है। अब
बोल रहा है। टाइप इंट वैल्यू 0 इन मेन। सही तो है, अनयूज्ड वैल्यू नहीं है भैया, यूज है यहाँ पे, आई का यूज कर रहे हैं। आई इक्वल टू 0, 1 करके देखते हैं, नहीं फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, वार्निंग को छोड़ देते, आई की वैल्यू है 0 और जब तक 2 आता है तब तक वो प्रिंट करेगा, देखते हैं। डिलीट भी हो गया वो तो, अभी शायद मेरे पास में कुछ गलती है। कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे कल तो, होना आप लोग तो कल देख लेंगे इसका, क्योंकि ये पार्ट जो है ना सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे यहाँ पे। एंड मुझे ये बताना है कि जब प्लस प्लस आया होता है ना तब वो वैल्यू को पहले ही बढ़ा देता है एंड फिर वो प्रिंट करता है, एंड जब उसके बाद में लिखते हैं ना तब का, एक बार चांस लेके देखते हैं। ठीक है, चेंज कर लो। टू थ्री तो सही तो था यार, 0 तो आया नहीं था तब भी तो सही था, बताया नहीं यार किसी ने। रुको मैं फिर से करता हूँ, इसको कर दो कील। देखो लाइनक्स में कील ही होता है, लो वगैरह का नाम की कोई कमांड है ही नहीं। अभी देखा, ये था मजा इसमें, देखा जब यहाँ पे यूज किया ना तब था, 0 से ही यूज किया एंड ये इंक्रीमेंटेशन पे गया ही नहीं। देखा जब फॉर लूप के इस पार्ट में, मतलब इस पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, तब इसको पहले उसने एग्जीक्यूट किया नहीं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, वो जब इस ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट करेगा तब इसको पूछेगा कि भाई तुम्हारी कंडीशन बताओ, उसके हिसाब से हम करते। तो ये हो गया डू व्हाइल वाला काम, ये डू एक बार कर दिया उसके बाद में वो जाएगा कंडीशन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पे। ठीक है, समझ गए, तो ये एग्जीक्यूट होता ही नहीं पहले बार में। ठीक है, जब इसको अंदर लिखते एंड यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं, प्लस प्लस आया होता है तो यहाँ पे 1 आएगा सीधा, देखते आएगा या नहीं। क्लियर? फिर से भेज देते यार। नहीं, ये उसके बाद में लिखा था ना, सही तो है, ये बाद में लिखा था इसको। देखो अगर एक लाइन नीचे ऊपर भी हो गई ना तो भी गलती होती है, मतलब ये स्टेटमेंट मैंने बाद में लिखा तब एक्सपेक्टेड आउटपुट आया ही नहीं। ये आ गया, देखो मुझे क्या बताना था, प्लस प्लस आया जब होगा ना तब वो 0 का पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा और प्रिंट मारेगा। ठीक है, 0 का क्या हो गया, 1 और फिर प्रिंट मारा। अगर ये मैं प्लस प्लस आई लिखता या फिर आई प्लस 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 आई लिखा हुआ है तो पहले ही वो इंक्रीमेंट करेगा और फिर प्रिंट करेगा, जब मैं बाद में लिखता हूँ इसको बोलते पोस्ट और इंट। पोस्ट मतलब बाद में, प्रिंट मतलब प्री मतलब पहले। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट पहले ही बढ़ा देता है, पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में बढ़ाएगा। अभी बाद में बढ़ाएगा तो कैसे, ऐसे। क्लियर? ना तो
फिर से गलती यार, ये भी सेम ही आ गया। जाने दो, और टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते, वैसे 8:30 हो गए। तो समझ गए ना कि कैसे होता है कुछ ना कुछ। ये है कुछ कंप्लीट कर लूँ मैं। तो असाइनमेंट में कैसा है, शॉर्ट हैंड रहता है। आंटी बोल भी सकती है कि नहीं नहीं हमको थोड़ी कम चीनी चाहिए, बट वो ज्यादा पे ही जाएंगी, या माइनस इक्वल टू कर दिया तो वो वैल्यू हो जाएंगी लेफ्ट हैंड के इसमें माइनस होके एक बार। ठीक है, एक बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनटू किया तो मल्टीप्लाई होके इससे हो जाएंगे, डिवाइड इक्वल टू हुआ तो डिवाइड होके, मॉडुलस इक्वल टू कर दिया तो मॉडुलस कर दिए, और कुछ होगा तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, लॉजिकल रिलेशनल यूनरी का भी समझ गया। एक आर प्लस प्लस रहता है, आर माइनस माइनस रहता है, और एक रहता है माइनस माइनस आए, एक रहता है प्लस प्लस आए। तो ये चीज है। बाद में टर्नरी का कैसा है, तो टर्नरी कैसे एक तीन वेरिएबल पे काम करते हैं। यूनरी का देखा एक ही इस पे, ये जो है वो दो इस पे, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये असाइनमेंट वगैरह का भी सेम ही है, लॉजिकल का भी सेम है, क्योंकि दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तब ही वो उसका 1 1 आउटपुट आएगा और वो उसको दिखाएगा, और आएगा तो दोनों में से कोई एक। ये वही लॉजिक गेट्स का है, वो लॉजिक गेट्स ही रहते हैं अपने कंप्यूटर में, एंड वो लॉजिक गेट्स से ही कुछ तो भी परफॉर्म करते हैं। मैंने एक छोटी सी चीज बनाई थी, वो लॉजिक गेट्स मिलते हैं 5-10 रुपए, 5-10 रुपए के। एक बड़ा रहता है वो 8 बिट वाला रहता है, उसमें क्या होता है 8 बिट पे अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सही करता वो, और प्रोजेक्ट बेचा था मैंने वो सही इसमें, तो दिखाऊंगा मैं, मेरे पास मिल जाएगा वो। तो ऐसा होता है, उसके बाद में प्रोग्राम पे आ गए, और उसके बाद में होता है टर्नरी वाला, जो कि 3 इसको हैंडल करता है, इसलिए उसको टर्नरी बोला गया। एंड सी प्रोग्रामिंग में या फिर और भी कोई लैंग्वेज में टर्नरी ऑपरेटर मैक्सिमम एक ही होता है, जो कि है क्वेश्चन मार्क कोलन। उसका यूज कैसा है, बाकी को कर दो। देखो आज यहाँ पे ना मुझे एक बड़ा सा लूप दिखाना था, एक व्हाइल डू व्हाइल की कंडीशन दिखानी थी, नहीं हो पाया बिकॉज एरर की वजह से। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपन, कल का तो टाइम है। बस आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट अगले, और टर्नरी ऑपरेटर समझा दूंगा। तो कंडीशन डाल देते, हमेशा नहीं होना चाहिए, इफ आई की वैल्यू 0 है तो क्या होगा। अभी ये इफ जो कंडीशन है यही सेटिस्फाई होते हैं, मतलब इफ कंडीशन का ही यूज है टर्नरी। नेहा, डू यू वांट टू से एनीथिंग, योर माइक इज, मेरा सिर्फ वो साउंड ही पूरा बंद था। किसी को बोलना है कुछ, अनम्यूट करके बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मरी कैसा यूज होता है, अगर इफ ओके आई अगर 0 है तो देखो, भूल तो नहीं गया मैं, ऐसे यूज करते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो याद है मुझे, तो देखो दे देंगे मैदान में। ठीक है, अंदर भी लिख लेते हैं, ये सेफ साइड है। ठीक है, ये मेन है अपना। ठीक है, इसके अंदर में क्या लिखा, अगर ये पहला है, इसमें क्या लिखा है, अगर अगर आई इक्वल टू 1 है तो क्या परफॉर्म करो, ये वाला परफॉर्म करो, मतलब प्रिंट इफ।
अगर नहीं है तो भैया ये करो। और यहाँ पे देखो यार, थोड़ा सा ट्रिकी सा कोड है। देखो प्रिंट एफ के बाद में बोला है सेमी कॉलन चाहिए, यहाँ पे देखे देखना एरर आ जाएगा, तो नहीं दे सकते। लाइन कंप्लीट यहाँ पे होंगी तो यहाँ पे देना है। वन आई इज नॉट वन, देखते अभी एग्जीक्यूट करके। इतने प्रोग्राम में सिर्फ इतनी सही चीज है। हाँ ठीक है, तो इतना एग्जीक्यूट होगा। क्लियर मार दिया जी सी सी डेफ 6.c डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए डॉट आउट एंटर। वो आई इज नॉट वन। अभी इसको समझने के लिए कोई अगर न्यू बाई डेवलपर रहेगा, या फिर मैं भी जब वो नया नया सीखते ना, तब अपने को रहता है कि पहले दिन हाउ टू प्रिंट एफ, दूसरे दिन हाउ टू स्कैन एफ। बाद में फिर जब मैं जावा सीखने को गया था, मतलब थोड़ा बहुत सीखा था बुक्स में पढ़ के, कॉलेज में पढ़ाते था, तो पहले दिन स्कैन एफ कैसे करते भैया, स्कैन एफ का बता। जे 6-7 लाइन का कोड कर लिया, चलो भैया अपन तो सीख गया भी जावा। उसके बाद अगले दिन हाउ टू डू नेटवर्किंग इन जावा, नेटवर्किंग का भी हो गया। उसके बाद हाउ टू मेक वायरस इन जावा, उसने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिखा मुझे, ऐसे ऐसे रिजल्ट दिखा है कि मैं किसी का कंप्यूटर खराब करूँ उससे पहले मेरा ब्रेन खराब हो जाता। तो मैंने तब वहाँ पे स्टॉप कर दिया नेटवर्किंग तक के। तो ऐसे होता है। तो ये कोड समझने के लिए ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखो इसको कर दो ऐसा, इसको कर दो ऐसा, इसको भी 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 कर दो ऐसा। सेमी कोलन साथ में रखो इसके, ठीक है फॉर्मेट कर दिया ना, वो चिपक जाएंगे फिर से, वो चिपकाना नहीं है पहले जैसा। ठीक है अभी देखो ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अपना आईडी जबरदस्त है, वो कहाँ पे स्टार्ट और कहाँ पे एंड हुआ वो बताते हैं। बात खत्म। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये दिखाओ, वरना ये दिखाओ, बात खत्म। टर्नरी ऑपरेटर इतना ही है, और भी कुछ होंगे तो एक्सपर्ट्स को पता होगा, मुझे नहीं पता बट मैं भी एक्सपर्टिस कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत, तो पता है। तो देखो क्वेश्चन मार्क कब यूज हुआ, अगर ये ऐसा है तब ये करो, ये काम उल्टा किया इसने। देखो इनको हटा देते हैं अभी के लिए, फॉर द सेक ऑफ अपीयरेंस इसको हटा देते। ये ऐसा चिपक के, देन ये ऐसा चिपक के, ये सस्पेंडेड है, मतलब इसको लिखेंगे भी नहीं ना, ऐसे सेमी कोलन भी मार देंगे। नहीं यार देना ही है, देना ही है, छोड़ नहीं सकते उसको, तो देख देना पड़ेगा। तो अगर इसके साथ में ये चिपक के, अगर ये ऐसा होता है तो ये प्रिंट करो, एल्स ये है, एल्स ये प्रिंट कर दो, बात खत्म। ये है टर्नरी ऑपरेटर। किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलो कोई बात नहीं, किसी को दिक्कत नहीं तो। बट यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस इज द 6th डे, एंड अभी तक मुझे लगता है कि अपने नैया उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। बिकॉज देखो फर्स्ट डे किसी ने तो भी मतलब डिस्कशन हुआ था ना अपना, तो ऐसा हुआ था कि वैसे भी 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स ऑलरेडी लगते हैं एक सी प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ने के लिए, तो अपन 7 दिन में कर लेंगे क्या? नो, तब भी आंसर नो था। एंड अभी भी आप देख सकते 6 दिन हो गए, बट अपन कहाँ पे है? जब अपन एक इतने पोर्शन को समझने के लिए जा रहे हैं तो अपने को 2-3 घंटे लग जा रहे हैं। मतलब अपन ने पहले भी लिया था बट छोटू से पार्ट में लिया था, अभी थोड़ा डिटेल में ले लिया, और डिटेल में जाना है तो और 2 घंटे लग जाएंगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर अ सिंगल टॉपिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग और एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग की इसमें आ जाए। उसके बाद आई एम नॉट डूइंग एनी मार्केटिंग और दैट थिंग, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, आज वो कुछ तो भी एनपीटेल के अपने को नोटिफिकेशन दिए गए थे कि एनपीटेल के न्यू कोर्सेस रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी को एंड हो रहे, तो
दो तीन कोर्सेज में एनरोल कर लो, एंड अगर मैं उसमें कुछ चिराया देता हूँ तो मतलब ये देता हूँ तो देखो कैसा है। ये है भैया एनपीटल, ठीक है। उसके बाद में ये मिनिस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है अपने इंडियन गवर्नमेंट से, उसके अंडर में क्या है, है स्वयं, ठीक है। उसमें है MHRD ऐसा कुछ तो, मिनिस्ट्री ऑफ इन ह्यूमन एंड ऐसे डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स के लिए और अपने कंट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान देते, ठीक है। बट जो मुझे पता नहीं, मैं ऐसे गलत इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, तो मुझे स्वयं पता है। तो स्वयं के बारे में, तो स्वयं कैसे सैटेलाइट्स के थ्रू प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, एंड वो ऑनलाइन पोर्टल भी है, तो एनपीटेल के अंडर में आता है स्वयं, ठीक है। तो इसमें कोर्सेज दिए गए, टेक एन एग्जाम्पल, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर में मुझे क्या मिल जाएगा, सीएससी के अंदर में डेटाबेस, ठीक है। अभी मैंने सुबह ही रजिस्टर किया इसलिए मुझे याद है। उसके बाद है टेस्टिंग, अभी टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये आ गए, ठीक है। उसके बाद में है प्रोजेक्ट एसपीएम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिकल वाला होगा तो पीसीबी डिजाइन, ठीक है, पीसीबी डिजाइन। उसके बाद में उन मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सी प्रोग्रामिंग रहता है तो डाल देते ना अपन, इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखो ऐसी चीजें हैं, तो व्हाट यू कैन डू, एक जो क्या कोर्स है जो आपको चाहिए, मतलब अभी देखो आपको सी प्रोग्रामिंग सीखना है, ठीक है। तो कुछ तो भी 4 वीक, 8 वीक, 16 वीक ऐसे कुछ कोर्सेस रहते हैं उसमें, तो जाओ आप ऐसे ऐसे क्या हो गया, मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको डीबीएमएस चाहिए, जाओ डीबीएमएस को एनरोल कर लो, फ्री है सीखने का। बट जब आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा तो कुछ तो भी नॉमिनल फीस पे करना पड़ता है, एंड ई सर्टिफिकेट या फिर मुझे लगता है हार्ड कॉपी उसकी निकाल सकते हैं अपन, तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। एंड वन एनपीटेल की जो कोर्स करना है तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए वन इंटर्नशिप, मतलब आप वहाँ पे 4 वीक, 8 वीक, 12 वीक, 16 वीक का कुछ टाइम देते हो ना, एंड वो उनके असाइनमेंट्स ये वो दुनिया भरी की जो भी चीजें हैं आपको ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए वो वहाँ पे मिलती है, ऑनलाइन है, इजीली एक्सेसिबल है, वीडियोस है, यूट्यूब पे रहते हैं, उसके साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी रहती है। मतलब नहीं समझ रहे भाई आगे वाले की लैंग्वेज, वो आईआईटी के, एनआईटी के या फिर आईआईएम्स के सिखाते तो नीचे ट्रांसक्रिप्ट भी रहती है, वो ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं समझती है ना, तो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो ब्राउजर में, मोबाइल में भी होता है, आप उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो, हिंदी, मराठी, तमिल, इंग्लिश, गुजराती, कोई बाहर की लैंग्वेज आती होंगी आपको उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद भी समझता नहीं है तो उसके बाद में एक सिंपल इंग्लिश नाम की लैंग्वेज रहती है, ठीक है। कल सिंपल इंग्लिश पे थोड़ा सा है मुझे याद है, तो सिंपल इंग्लिश नाम की लैंग्वेज रहती है उसमें कन्वर्ट करो, यू एन गेट इजी नॉलेज, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज, यूट्यूब पे वीडियो रहती है ना, तो कैसे रहता है डेटा अपना बहुत कीमती है, तो उस सेटिंग को ना कम करके देखना, मतलब ये मेरी टिप है कि कोई चीज अगर अपने को ऑडियो ही सुनना है किसी चीज का, उसमें विजुअल्स ज्यादा है नहीं, तो 144 पे करके देख सकते, 240 पे देख सकते, अगर कोई विजुअल्स देखने हैं तो स्पीड लेके जाओ ऊपर, बढ़ा दो, HD 4K देखो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ये जस्ट मेरी तरफ से टिप थी कि आप ऐसा कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, मतलब नेसेसरी भी बोल सकते हैं, बिकॉज स्वयं का जो सैटेलाइट है वो किसने बना के भेजा हुआ है ये तो बताने की गरज नहीं है,
COAP पुणे के स्टूडेंट्स ने ये बना के स्पेस में, वो क्या था अपना, एस्ट्रोसैट के साथ में भेजा था। तो देखो भैया, अपने लिए गर्व की बात है कि अपने जैसे फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ऐसे सैटेलाइट बना के भेज सकते हैं। सैटेलाइट उस जिससे कुछ टीवी चैनल्स प्रसारित करे जा रहे हैं वे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके मतलब एक बड़ी चीज़ है ना अपने लिए। तो देखो करो। ओके सो अपन लूप व्यूप है, ऐसे बहुत सारे मीम्स बनाए हैं कल के इसमें हैं। तो माई सेल्फ ऋषिकेश, यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक इन, इंस्टाग्राम, गिट हब। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड कंक्लूजन ऐसा है, देखा साइज ऑफ का भी रह गया आज का, है ना, बोला था साइज ऑफ का, कल देख लेंगे अपन। टाइप डेप्थ वगैरह भी है। तो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, डे 6 ऑफ डे 7, एंड थैंक्स टू द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्लब एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एज ए पीयर टीचर टू शेयर माई नॉलेज अमंग द स्टूडेंट्स। एंड स्पेशल थैंक्स टू द कॉलेज फॉर अलाउिंग सच एक्टिविटीज इन कॉलेज। ओके